शिवाजी द बॉस के इस आइकॉनिक सीन को एक विजनरी लीडर हकीकत में उतार रहे हैं। कौन है ये और क्या है इनकी स्टोरी, आइए जानते हैं। इनका जन्म 1957 में नागपुर में एक किसान के परिवार में हुआ था। 1970s में उन्होंने डिप्लोमा के साथ साथ डबल ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया। उसी दौरान उन्होंने आरएसएस को भी ज्वाइन किया और कॉलेज डेज में ही पॉलिटिक्स में भी एंटर कर लिया। 1990s में जब इनको मुंबई का पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बनाया गया, तब उन्होंने मुंबई के खराब सड़कों की प्रॉब्लम अपने फास्ट एग्जीक्यूशन से सॉल्व कर दी। इनके फास्ट एग्जीक्यूशन और क्वालिटी वर्क को देखकर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उन्हें रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट भी दिया, जिसमें उन्होंने इंडिया के 13,000 विलेजेस को रोड्स, फ्लाईओवर्स और एक्सप्रेसवेज के थ्रू कनेक्ट किया है। और इसी वजह से उन्हें फ्लाईओवर मैन भी कहा जाता है। उन्होंने बायोडीजल पंप, सोलर फेंसिंग और सीएनजी ट्रैक्टर्स जैसे इनोवेटिव आइडियाज भी इंट्रोड्यूस किए, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर भी धीरे धीरे बेहतर होने लगा। एक पॉलिटिशियन के साथ साथ वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी है, और ये और कोई नहीं, ये है नितिन गडकरी जी। सब्सक्राइब करो ऐसी और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए।